हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। सो आज हम कर रहे हैं होम चेस्ट और ट्राइसेप्स की वर्कआउट। यहीं पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज से 5 साल हो गए उस चीज़ को कि जब मैं यहाँ पे होम वर्कआउट करता था अपने दोस्तों के साथ 5 से 6 महीने, और यहीं पे मैंने जो भी स्टार्टिंग की चीज़ें सीखी थी यहीं पे सीखी थी। तो आज इसीलिए आपके लिए फिर से यहीं पे वीडियो कर रहे हैं होम चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट कर सकते हो singer_10, वहाँ भी मैं वर्कआउट्स डालता हूँ। तो अभी स्टार्ट करेंगे चेस्ट से, चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस, बीच में ट्राइसेप्स भी करते जाएंगे। तो आप फॉलो करते जाओ, नोट करते जाओ और स्टार्ट करते हैं, बढ़िया वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो है पुशअप्स, होल्ड पुशअप्स। बेसिकली होल्ड पुशअप में नॉर्मल आप जो पुशअप्स करते हो, शोल्डर के नीचे हाथ, नॉर्मल पुशअप की पोजिशन, डाउन 1 2 3 4 5 अप। पूरी की पूरी बॉडी डाउन नहीं जा रही है मेरी, मैं सिर्फ अपर बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे को चेस्ट बनाना है। तो इसलिए मैं चेस्ट को ज़्यादा नीचे लेके जा रहा हूँ और मैं अपना लोअर बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे पुशअप्स गलत लगा रहा है, लोअर बॉडी नीचे नहीं जा रही है, लेकिन मैं अभी सिर्फ अपर बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 अप। बिलीव मी, अगर आप चेस्ट के लिए पुशअप्स लगाते हो पुशअप्स करो, लेकिन ये होल्ड पुशअप्स आप 2 से 3 सेट ऐड करो, बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट में चेंजेस पता चलेंगे। तो होल्ड पुशअप्स कभी भी अपनी अगर चेस्ट वर्कआउट करते हो तो होल्ड पुशअप जरूर लगा रखो। जो लोग जिम भी जाते हैं उनके लिए भी ये काम करेगा, वो भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज है होल्ड पुशअप्स, दूसरी एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप पुशअप्स। वाइड ग्रिप पुशअप्स की तरफ चलते हैं। नॉर्मल आपने वाइड ग्रिप पोजिशन बनानी है, 1 2 अप। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपने कोई भी जो बंदा बिगिन कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको पावर बढ़ाने के लिए। शोल्डर में भी आता है आपका प्रेशर और साइड पार्ट ऑफ द पैक सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। साइड पार्ट ऑफ द पैक बहुत ज़्यादा ही इंग्रोसिंग और बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी साइड पार्ट ऑफ द चेस्ट के लिए। 15 से 20 रेपिटेशन मैं करता हूँ नॉर्मली, आप अगर नहीं कर पाते हो तो 8 से 12 करो, धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। मैं 15 से 20 करता हूँ, 3 से 4 सेट। तो ये रहेगा हमारा सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स के लिए डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप में जो ग्रिप लेंगे वो होगा नॉर्मल, आपने एक डायमंड शेप बनाना है, चेस्ट के नीचे हाथ रहेगा और अप। इसमें आपने हल्का हल्का चेस्ट पे भी प्रेशर आता है, बट जो मज़ा इसमें ट्राइसेप का है, मैं अभी भी जिम में भी ये चीज़ करता हूँ। आप भी जो जिम जाते होगे वो भी इस एक्सरसाइज को ज़रूर करते होगे, क्योंकि डायमंड पुशअप ट्राइसेप के लिए सबसे ज़्यादा फेमस काइंड ऑफ एक्सरसाइज है रोप पुशडाउन्स के बाद जिम में। तो डायमंड पुशअप्स के 15 से 20 रेपिटेशन थोड़ा टफ है स्टार्टिंग में, तो आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करो इस चीज़ पर। थोड़ा टफ है स्टार्टिंग में, मुझसे भी नहीं लगता था, लेकिन आप 15 से 20 रेपिटेशन आराम से करो और 3 से 4 सेट फिर से। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इन एंड आउट पुशअप, चेस्ट की स्ट्रेंथ के लिए, एक्सप्लोसिवनेस जो आती है हमारी पुशअप्स में उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ के लिए इन एंड आउट पुशअप। तो इन एंड आउट पुशअप में बेसिकली आपने जो पहला ग्रिप लेना है वो होगा बाहर, इतना बाहर लेना है वाइड, और पुशअप अंदर बाहर अंदर बाहर। इस चीज़ को आप एक अलग वे में भी कर सकते हो इस पोजीशन के साथ, आपने अल्टरनेट जो ऑपोजिट ग्रिप रख सकते हो, ये थोड़ा टफ हो जाएगा जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए इससे बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है। शोल्डर में जान चाहिए आपको, पुशअप्स अच्छे वेरिएशंस करने हैं पुशअप्स के। जो लोग पूछते हैं कि फ्लाइंग कैसे करें, वन हैंड पुशअप कैसे करें, आपको शोल्डर में जान चाहिए, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। शोल्डर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, बाकी आपका चेस्ट ग्रो तो हो ही रहा है। उसके बाद हम ट्राइसेप्स के लिए कर रहे हैं ट्राइसेप किकबैक, पत्थर यूज़ कर रहे हैं ट्राइसेप किकबैक के लिए। नॉर्मल आप एक हाथ से देखो ये पोजिशन,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हैंड चेंज करेंगे. तो आपने ट्राइसेप किकबैक्स करने हैं. बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. डंबल्स हैं जिनके पास, वो डंबल से करें. मैं पत्थर से करता था. बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है. कोई वेट का उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता. ट्राइसेप किकबैक में ऐसे भी आप हैवी डंबल लेते नहीं होगे, 5-10 के डंबल लेते होगे. बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ट्राइसेप सेपरेशन के लिए. तो इसको ज़रूर अपनी रूटीन में डालें, होमवर्कआउट में. इसके बाद फिर से हम चेस्ट के लिए, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज, बहुत टफ है, आर्चर पुशअप्स. बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी. तो आर्चर पुशअप्स करते हैं. सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, नो डाउट. ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट की, इस ग्रिप के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए. बहुत ही ज़्यादा टफ जो है एक्सरसाइज है ये. इसके लिए मैंने इसको एंड में रखा, क्योंकि 50% लोग शायद ना कर पाए, लेकिन आपको इस पे काम करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है. जिम में जाके वेट्स उठाना अच्छी बात होती है, बट लेकिन जो बंदा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर पाए वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप जिम में लोड उठा रहे हो, बहुत बढ़िया, जिम से सबको प्यार है, लेकिन आपको बॉडी वेट, अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करना भी आना चाहिए अच्छे से. तो ये थी मेरी चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की वर्कआउट. होपफुली आपको पसंद आएगी वीडियो. सपोर्ट करना यार. आई नो कि जो जिम जाते हैं ये उनके लिए यूज़फुल नहीं है, उनके लिए कुछ भी मतलब नहीं रहता. थोड़ा बहुत आपको मतलब रहेगा इससे, लेकिन बहुत सारे बंदे हैं जो जिम की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे ग्राउंड में आके वर्कआउट करते हैं. पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, मेहनत करते हैं, उनके लिए चीज़ें ज़रूरी है. और ऐसी चीज़ें कम है यूट्यूब पर. तो होपफुली ये आपको पसंद आएगा, उनके लिए है. थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहो. लव यू ऑल. थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ आपको गलत लग रही होगी. लव यू ऑल गाइस. Oh,